वेलकम टू माय चैनल उर्फ होली गर्ल। एक नए वीडियो के साथ आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ, सब स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ बज रहे हैं 6:45 बजने वाले और मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। और ये देखिए सुबह का व्यू मॉर्निंग के टाइम का। तो यहाँ पे हो रही सुबह मेरी और ये देखिए कबूतर। सुबह सुबह कबूतरों का ऐसा होना बहुत मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नेचर के सामने रहना। और यहाँ का जो रात में जो भी पक्षी वगैरह गिरे तो वो सब कुछ साफ़ हो गया है और वो सब मैंने धोया, रात को ही साफ़ कर दिए थे मेरे पति ने। और ये साइकिल से सब स्टेशन अपना जा रहे हैं। तो ये मैंने राइट हैंड में रात को अपनी मेहंदी लगाई थी, खुद से ही लगाई थी राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि सब कुछ मैं सीख जाऊँ। और ये रही मेहंदी जो मैंने लगाई थी कल। और मुझे ना क्या होता है, आपके पिंपल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद पानी वजह से। मैं फ़िल्टर पीती थी, अभी कभी कभी मैं नॉर्मल पी लेती हूँ नल वाला और कभी कभी फ़िल्टर, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल वगैरह हो रहे हैं। तो चलिए बाकी का मैं सारा काम कर लेती हूँ, बहुत सारे काम करने, नीचे का झाड़ू पोछा ये सब वगैरह करना है, तो नीचे चलती हूँ। तो यहाँ मैं नीचे जा रही हूँ, सारे लाइट्स ऑफ है क्योंकि मम्मी को पता मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे। तो मैं नीचे जाती हूँ और वहाँ कोई नहीं होता, सब जगह पर लाइट ऑन करके ये सब मुझे साफ़ करना होगा, झाड़ू करना होगा, फिर पोछा लगाना होगा, तो सब कुछ करना होगा मुझे। और ये देखिए टाइम 6:00 5:30 बज चुका है। और ये रहा फर्स्ट रूम जो काफ़ी अंधेरा है, खोलूँगी मैं और उसमें भी लाइट ऑन करूँगी क्योंकि झाड़ू पोछा तो करनी रहती है ना। ये फर्स्ट रूम में कोई नहीं रहता, ऐसे साफ़ सुथरा करके रखती हूँ किसी को बैठना हो तो। और फिर ये मैं आ गई हूँ माँ के रूम में और यहाँ माँ सोती है। तो यहाँ का तो लाइट ऑन था, मम्मी पापा गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये रहा किचन, किचन का लाइट, किचन में ना बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं, तो खिड़की का जो एक शीशा ना वो टूट चुका है, तो वहाँ से ना सारे चूहे आकर डिब्बा डुब्बी जो भी रहता है मसाले के डिब्बे सब गिरा दिए। देखिए किसे चूहों ने गिरा दिया, उतना सब कुछ देने के बावजूद भी सब कुछ गिरा पिरा कर खा पी के चले जाते हैं, तो क्या करूँ, चूहों का कुछ समझ में नहीं आता है। अब नीचे चलती हूँ आपको आंगन की ओर। तो आंगन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये रहा आंगन का व्यू मॉर्निंग के टाइम का। और ये देखिए सब कुछ मुझे अभी झाड़ू उड़ू लेकर साफ सुथरा करना होगा। तो ये मैंने बनाया छोटा सा गार्डन, वहाँ पे मैं अपने फूल लगाऊंगी। सब कुछ कर लेने के बाद मैं नहा धोकर अपने रूम में आ गई हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30 बज चुके हैं, 8:00। तो मैं नहा धो के फिर कपड़े भी कपड़ा हुआ अपनी छत पे देकर आती हूँ। काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो छत में ना मैं पहले ही भूल गई थी कपड़े, तो यही वो कपड़े फिर मैं इसको दे दूँगी सूखने के लिए। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, 7:30 और ये रहे कपड़े जो मैंने उठाने ही भूल गई थी, तो फिर मैं सारा कपड़ा इसको भी लगा देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे जाना भी है कहीं आज, तो मिलती हूँ आपसे रेडी वेडी होने के। रेडी हो गई है।
तो मैं सोच रही थी कि आज ये ड्रेस पहनूं, फिर सोचा मैंने कि आज मंगलवार है तो मैं क्या पहनूं, तो फिर मैंने रेड निकाला क्योंकि मंगलवार है तो लाल लाल कुछ पहनने का मन था, तो मैंने ये निकाला। पर मैं ये पहनूंगी नहीं क्योंकि ना मुझे आज फर्स्ट टाइम सिलाई सेंटर जाना था, और फर्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं सोच रही थी कि मैं ये साड़ी पहन कर तो नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने ये भी नहीं पहन लिया है कि मेरा और सब कुछ रेडी करने के बाद मैं रेडी होती हूँ, इसी मैंने कहीं मैं उसे ऐसे ही अभी तक रख देती हूँ, किसी और दिन पहनूंगी। तो ये हो गई, इसे निकाल कर मैंने पहना नहीं, अफसोस की बात है। ये हो गई रेडी मैं, और अब चलती हूँ नीचे कुछ खाना वाना बनाना है, उसके बाद मैं चलूँगी क्लास। क्लास के लिए मैंने कभी ये सबको बिखरा हुआ है क्योंकि ना मुझे ये नाइटी सिलनी थी, तो मशीन पे वो सब कुछ सेट किया हुआ था, तो मैंने सब कुछ निकाला और सब कुछ मैस हो चुका है। अब मैं इसे सेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं चलती हूँ नीचे, और क्योंकि मुझे भी खाना वाना सब बनाना है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर मैं इसे सबको साफ़ करूँ। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ क्योंकि रूम में कोई ना हो, लाइट ऑन रहे तो बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लाइट रहती नहीं है, तो इन्वर्टर है तो सब कुछ ऑफ करके जाना पड़ता है, नहीं तो फिर हमें ही अंधेरे में रहना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बनाया है उसका और कचरे, और मैंने बहुत बना लिया था, मैंने आधे वीडियो में जो भी बर्तन वर्तन है नाश्ते का वो सब कुछ साफ़ करूँगी। और तो मैं इसी से सब कुछ काम करके बर्तन बर्तन धो के सबको खिला पिला के आ गई हूँ, और मैंने अपना बैग पैक कर लिया, ये मेरा चमन बाग और ये मेरी कॉपी। तो अब मैं चली सिलाई, आई मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत टाइम हो गया, 10 बजे मुझे बुलाया था, अब 10 बज चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 बज चुके हैं और सब बिखरा पड़ा हुआ है, आकर इस चीज़ों को समेटूँ फिलहाल। चलिए मैं चलती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सिलाई सेंटर से, ये देखिए मेरी बिंदी बिंदी सब खत्म हुई, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बिंदी लगाती हूँ और 2 मिनट में कहाँ चल जाता है पता नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो वाटर बॉटल लेकर मैं आ गई हूँ, तो देखिए बहुत ज़्यादा थक गई थी, धूप देखिए बाहर का कितना ज़्यादा धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। तो मैं सब ड्रेस पानी वानी पी के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये देखिए बाहर का व्यू, काफी ज्यादा बारिश होने लगी फिर अचानक से, माँ कभी धूप कभी बारिश, मतलब क्या है मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैंने दिखा ना बहुत ज़्यादा धूप थी, और अभी तुरंत इतना ज़्यादा बारिश, हवा तूफान हो रहा था ना कि कुछ कहने का नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर माय।